ये सब कुछ लाए हैं हम अपनी गाड़ी में ढोकर, इतना सब कुछ एक गाड़ी में। आने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल। ये पहले से यहाँ पर रखे थे क्योंकि अभी हम बाहर खाने नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे। ये है पानी क्योंकि सुबह में टैंक साफ कराएंगे, अभी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ खाने में। चावल बन गए हैं, दाल बन गई है, उनके लिए ब्राउन राइस उबाल दिए हैं। अब हम आपसे मिलते हैं खाना खाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा की भूख लगी है, वैसे भी सुबह का खाया हुआ है। हाँ जी, तो खाना पीना हो गया है, अब आ गए हैं अपने रूम में। और ये जो है आज मैंने तो पूरे दिन में अब यूज़ किया है फ़ोन, तो शायद पता नहीं कितने सालों के बाद में ऐसा हुआ होगा कि 8-9 घंटे के आसपास मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। ओके, लेकिन अब कर रहे हैं, अब देखो 8-9 घंटे की कसर निकाल देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कर लो आप यूज़, कोई बात नहीं। तो कल आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा टूर, यहाँ पर क्या क्या है, कैसे है, पूरा सब अच्छे से दिखाऊँगी कल को। अभी तो ये है कि ईरा मेरे से कर रही है शैतानी, ये देखो ये कर रही है मुझसे शैतानी। क्या कर रहे हो ईरा, क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो शैतानी, ईरा ईरा क्या कर रहे हो, उठ गए हो, गुड मॉर्निंग, आराम कर रहे हैं। आहा, गुड मॉर्निंग ईरा, क्या खाओगी नाश्ते में बताओ, क्या खाओगी नाश्ते में, है चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी नाश्ते में। अच्छा आप बाहर, यस, अच्छा ऊपर से सीधे एकदम नीचे आए हैं। हाँ अभी तो रुकी हुई थी बारिश, फिर से आ गई है, रुक गई थी ना, देख। हाँ। ये देख क्या इतना फिसलन हो गई यहाँ पे, साफ करना पड़ेगा ये पूरी। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे तो काई लग गई है, इतनी बारिश हो रही है। अरे बाप रे, तो जम गया, इतना ज्यादा हो रहा है इसके अंदर कूलिंग। और ये धो रहे अपनी गाड़ी, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं मुर्गे भूनने की, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये जनाब जो है मुझे चिकन धोके दे रहे हैं, तैयारी करते हैं मेरी बहुत ज्यादा। अरे थैंक यू, बहुत ज्यादा क्या किया, अरे यार इसने तो इसने पोटी कर ली, पोटी कर ली फिर से आपने। चलो गाइस इसकी पोटी साफ करके मिलते हैं आपसे, इसने काम बढ़ा दिया है, क्या करें, बच्चों के साथ हमेशा बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। इसने कर ली है पोटी खाने के टाइम पे, अब पहले इसकी पोटी साफ करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हवा मत आओ, हवा प्लीज मत आओ। अगर आएगी भी तो मैं खूब मारूंगी। ये दोनों लगे हैं आग जलाने में, किसी तरह जले इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियर बनने हैं। अब इससे क्या करोगे, इससे नुमान भट्टी को पूरी को सरकाली दे, इससे देख अच्छा एड्रेस चलाओगे इसमें। हाँ तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है हमारा, मुझे यहाँ का हम टॉर देना था तो मैं वो दे देती हूँ। पहले छाता इसलिए लिया है क्योंकि बारिश आ रही है और मुझे अभी भीगना नहीं है। यहाँ से जाते हैं अंदर, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार फ्रेंड्स, कसम से बहुत दिल लग रहा है। और वो सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे जो बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं बारिशों से। ये है मेंडोर जहाँ से करते हैं एंटर,
एंड सबसे पहले आ जाते हैं हॉल में, जो अभी बेड की तरह, बेडरूम की तरह यूज़ हो रहा है जब से इरा हुई है, क्योंकि इरा की वजह से ऊपर नीचे करना पड़ता था, तो नीचे ज़्यादा कुछ था नहीं जहाँ मैं उसको लिटा सकूँ, बिठा सकूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी बेड डाल लिया है हॉल में, तो भी अच्छे से दिन में काम आ जाता है इरा को सुलाने के लिए, लिटाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बड़ी सी यहाँ पर देखो विंडोज़ हैं, बाहर दूर दूर तक का दिखता है, एक विंडो इधर है, ये है पूरा हॉल। एंड इसके साथ ही है ये बाथरूम, और ये है किचन, थोड़ा फैला हुआ सा लग रहा है क्योंकि लंच से अभी फारिग हुए हैं। और ये आइस बॉक्स बड़े काम की चीज़ है मेरे से, मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं सब, तो लाइटें ऑफ कर देते हैं फालतू में। अब चलते हैं ऊपर, ये सब पेंटिंग्स, ये नमाज भाई की पेंटिंग्स लगी है एक यहाँ पर और एक ये लगा है यहाँ पर। अब चलते हैं ऊपर, और ये लगी है सामने अब्बू की पेंटिंग, जो मैं आपको बोल रही थी ना पिछले ब्लॉग में भी कि ये सब जगह है, तो बस ये सब जगह है यहाँ पर भी। एंड दिस इज माय रूम, ये मेरा और शमास का रूम है, ये हमारा रखा है लगेज, एंड दिस इज हू मी, दिस इज मी, तो ये हमारा है बेडरूम, एक बेडरूम और है, दिस इज सेकंड बेडरूम, और ये टेलीस्कोप भी है चांद देखने के लिए। एंड दिस इज सेकेंड वॉशरूम, ऊपर भी है, वॉशरूम का तो क्या नहीं दिखाना। एंड ये है गेस्ट रूम, यहाँ से देखो कितना खूबसूरत व्यू है, वो पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे अगर पेड़ ना हो, भी पेड़ सारे हरे भरे हो गए हैं बरसात में। तो ये एक विंडो इधर है, पहले ये स्टडी रूम था, अब इसका उठा के हमने गेस्ट रूम बना लिया है। हाँ जी, यहाँ पर आ रही है बारिश, अरे बाप रे, ये पानी कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्या कर रहे हो, अल्लाह नहा भी रहे हो, साफ भी कर रहे हो, वहां से आ रही है गाड़ी बारिश में नहाती हुई। ये हमने अभी ऊपर इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ से ना अंदर पानी जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये पन्नी लगा दी है, अब पानी नहीं आएगा अंदर, बट अभी अच्छा है, मैं भी यहाँ पर खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे भीगना नहीं है, तो इसलिए ये देखो अब कितना पानी भर रहा है, वाह बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। ये अच्छा किया आपने यहाँ पर पन्नी लगा दी है ना, आराम से यहाँ पर घूम भी सकते हैं बारिश में, ये बारिश आ रही है पर मैं भीग नहीं रही हूँ, बारिश आ रही है पर मैं भीग नहीं रही हूँ, पर मैं भीग नहीं रही हूँ, और वो इरा मुझे देखकर हंस रही है, ये देखो पन्नी लगी है ऊपर पर मैं बारिश का मजा ले रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बड़ी विंडो है, पहले मुझे यहाँ पर डर लगता था तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जाल लगवा लिए, अब कोई डर नहीं है, बहुत मजबूत है। ये अपने डैडी को देख रही है, ये इरा बारिश का मजा ले रही है, बारिश का, और ये देखो क्या कर रहे हैं, हेलो
मजा आ रहा है, फुल मजा ले रहे हो। तो हो गई है रात, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। जीरा को यहाँ से उठा लिया गया है। हाँ तो चलिए आपको दिखाते हैं। जीरा को यहाँ से उठा लिया गया है, लाइट है ऑफ कर दी है, डोर लॉक। चले? यस चलो। स्टार्ट स्टार्ट पॉइंट। होगा 8 बजे और हम पहुंच गए हैं। कौन है 8 बजे? खैर कोई नहीं, वेट करते हैं। और यहाँ पर देखो कितने खूबसूरत लग रहा है, ये डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने ट्री को, ग्रीन ग्रीन ट्री, रात में भी ग्रीन दिख रहा है। ये आ गई है हमारी मलाई लस्सी, स्टार्ट करो। बढ़िया, ये क्या है इसमें? हो गया डन।